A bioconvex lens made of a transparent material of refractive index 1.25 is immersed in the water of refractive index 1.33. Will the lens behaves as a converging or a diverging lens? Justify your answer. तो देखिए बच्चों, एक कॉन्वेक्स लेंस हमको दिया है, ठीक है, और कॉन्वेक्स लेंस में हमसे कह रहे हैं कि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.25 है, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.25 है, और उसको जिस मीडियम में रखा गया उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 है। तो हमसे कह रहे हैं कि क्या वो लेंस कन्वर्जिंग की तरह बिहेव करेगा, मतलब कॉन्वेक्स तरह बिहेव करेगा, या डाइवर्जिंग यानी कि कॉनकेव की तरह बिहेव करेगा। तो बच्चों, आपको हमेशा पता होना चाहिए कि अगर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यूएम, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब म्यूएम, ये बड़ा हो जाए म्यूएल से, ठीक है, तो लेंस का नेचर चेंज हो जाता है। तो इसका मतलब होता है कि नेचर ऑफ लेंस इज चेंज्ड। तो चेंज हो जाएगा इसका क्या मतलब है? चेंज होने का सीधा सा मतलब होता है कि चूंकि यहां दिया है ये कॉन्वेक्स लेंस था, यानी कि अब ये कैसा बिहेव करेगा, लाइक अ कॉनकेव, सो इट बिहेव्स लाइक डाइवर्जिंग लेंस। कैसा बिहेव करेगा? डाइवर्जिंग लेंस की तरह, ठीक है, मतलब कॉनकेव लेंस। अच्छा, ठीक है, बट बच्चों हमको यहां पे जस्टिफाई करना है अपना आंसर, मतलब पूरा एक्सप्लेन करना है। वैसे तो आपको पता होना चाहिए कि मैं आपको यहां पहले सारी कंडीशन बता देता हूं कि और मीडियम की क्या क्या कंडीशन हो सकती है। तो बच्चों, अगर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक से तो बड़ा हो, किससे बड़ा हो, वन से, मतलब एयर से ज्यादा हो, क्योंकि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वन होता ना, एयर वैक्यूम का, तो वन से बड़ा हो, लेकिन वो लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से अगर छोटा होता, ठीक है, तो ध्यान रखना उसका फोकल लेंथ चेंज हो जाता है, लेंस इंक्रीज, वो बढ़ जाता है, ठीक है। और अगर मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर हो जाए, तो बेटा उसका फोकल लेंथ लेंस का क्या हो जाता है? इनफाइनाइट हो जाता है। मतलब लेंस बिहेव्स लाइक ग्लास प्लेट। कैसा बिहेव करता है बच्चों? लाइक अ ग्लास प्लेट, और लेंस दिखाई भी नहीं देता इस सिचुएशन। ध्यान रखना, अगर मीडियम का लेंस के बराबर हो गया तो लेंस दिखाई नहीं देगा, वहां पे रखोगे तो लेंस गायब हो जाएगा, मतलब दिखेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम के बराबर है, ठीक है। इसका मतलब अगर लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम के बराबर होगा तो फोकल लेंथ इनफिनाइट हो जाएगी, वो ग्लास प्लेट की तरह सिंपल बिहेव करेगा। अगर लेंस से कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहेगा तो केवल फोकल लेंथ इंक्रीज होगी, उसका नेचर सेम रहता है, मतलब अगर कॉन्वेक्स लेंस है तो कॉनकेव रहेगा, कॉन्वेक्स ही रहेगा, कॉनकेव है तो कॉनकेव रहेगा, मतलब नेचर में कोई चेंज नहीं आएगा अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का लेंस से कम है। बट अगर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस से ज्यादा है तो नेचर चेंज हो जाएगी। यहां पर देखो, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? 1.33, और लेंस कितना है? 1.25, तो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या ज्यादा है, इसलिए उसका नेचर चेंज हो जाएगा, मतलब लेंस डाइवर्जिंग की तरह काम करेगा, क्योंकि यहां दिया है ना कि कॉन्वेक्स लेंस है, तो चूंकि ये लेंस क्या था बेटा? कॉन्वेक्स, तो इसका नेचर चेंज हो जाएगा, इसका मतलब वो डाइवर्जिंग की तरह काम करेगा, ठीक है। अब बच्चों देखिए, होता क्या है कि हमको ये प्रूव भी करना, क्योंकि कह रहे हैं ना जस्टिफाई योर आंसर, तो कैसे करेंगे? तो भाई ऐसा करते हैं हम यहां पे कि सपोज कर लेंगे यहां पे कि फॉर एयर पहले लिखेंगे, एयर के लिए इसकी फोकल लेंथ निकालेंगे, 1/FA बराबर क्या आएगा बच्चों? म्यूएल माइनस वन। फार्मूला होता है बेटा 1/R1 माइनस 1/R2। बट आपको पता होना चाहिए कि कॉन्वेक्स लेंस में ऐसा होता है, कॉन्वेक्स लेंस ये फर्स्ट सरफेस होता है, ये सेकंड सरफेस होता है। फर्स्ट सरफेस का स्फीयर इधर बनता है, मतलब फर्स्ट सरफेस की जो रेडियस R1 है वो क्या होती है? पॉजिटिव होती है, R1 लेंस के उधर जाती है, तो ये क्या होती है? पॉजिटिव। और सेकंड ये है सरफेस, और इसका जो स्फीयर बनेगा वो इधर बनेगा, मतलब इसकी जो रेडियस होती है R2 वो कैसी होती है बच्चों? वो निगेटिव होती है। मतलब R1 पॉजिटिव में रखते हैं और R2 किस में रखते हैं? निगेटिव में, है ना।
तो हम मान लेते हैं आर वन की वैल्यू आर डैश है, तो आर वन की वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस का आर डैश, और आर टू जो है वो रेडियस मान लो आर डबल डैश है, तो क्या हो जाएगी माइनस आर डबल डैश, क्यों, क्योंकि ये निगेटिव होती ना, इसलिए ऐसा आ जाएगा आर डबल डैश। अच्छा बच्चों यहां अगर वैल्यू रख दे तो क्या आएगा, एयर की फोकल लेंथ 1/FA बराबर म्यूएल लेंस की फोकल लेंथ 1.25 माइनस 1, 1/R' माइनस 1/R" वो भी कैसा माइनस का, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, मतलब 1/FA बराबर हो जाएगा 0.25 1/R' प्लस 1/R". ठीक है, ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई फर्स्ट। अब हम बात करते हैं अगर इस लेंस को मीडियम में रखते हैं तो फोकल लेंथ क्या आएगी बच्चों, तो देखिए बच्चों इसके लिए हम क्या करेंगे यहां पे इधर सॉल्व करते हैं, व्हेन लेंस प्लेस्ड इन मीडियम देन फोकल लेंथ ऑफ मीडियम, मीडियम में फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, देखो ये क्या बनेगी बेटा मीडियम के लिए फॉर्मूला क्या होता है एम म्यूएल, ठीक है माइनस वन 1/R1 माइनस 1/R2 बेटा। एम म्यूएल कितना होता है देखो, तो एम म्यूएल की वैल्यू निकालना आपको पता होना चाहिए म्यूएल अपान म्यूएम, यानी कि 1.25 अपान 1.33 यहां वैल्यू रख देंगे, तो एफएम बराबर क्या आएगा बेटा एम म्यूएल, तो ये तो हो गया 1.25 अपान 1.33 माइनस 1, ठीक है, और 1/R1 R1 की वैल्यू देखो क्या है आर डैश प्लस 1/R" क्यों, क्योंकि R2 की वैल्यू क्या है माइनस R" मैंने मान रखा है ना, इसलिए तो बेटा ये आ जाएगा 1/FM बराबर यहां सॉल्व करोगे तो क्या बचेगा 1.25 माइनस 1.33 अपान 1.33 इंटू 1/R' प्लस 1/R". देखो ध्यान से, तो 1/FM कितना आ जाएगा बेटा यहां से, ये आ जाएगा हमारे पास ऊपर का माइनस का बचेगा यहां देखो 0.08 अपान 1.33 और 1/R' प्लस 1/R". ऐसा करते हैं हम एफएम और एफए में रिलेशन निकाल देते हैं तब आंसर हम अच्छे से जस्टिफाई कर सकते हैं, तो बेटा हम क्या करेंगे सेकेंड इक्वेशन में फर्स्ट से डिवाइड कर देंगे, तो सेकेंड क्या है 1/FM और फर्स्ट क्या है 1/FA, तो अपान में 1/FA आएगी तो क्या होगा पलट के ऊपर चला जाएगा FA अपान 1 बराबर, इधर ऐसे ही करोगे तो 0.08 अपान 1.33 इंटू 1 अपान आ जाएगा 0.25, देखो इसका अपान में 0.25 आ जाएगा और 1/R' प्लस 1/R" दोनों तरफ के आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब बेटा जब इसको सॉल्व करोगे ना तो FA अपान FM की वैल्यू आएगी 0.24, वो भी कैसा माइनस का, इससे ही पता चलता है कि FM बराबर हो जाएगा माइनस का FA अपान 0.24, क्या जाएगा FM बराबर माइनस का FA अपान 0.24, इससे क्या पता चला बच्चों FA तो कैसा होगा पॉजिटिव, तो FM कैसा आया निगेटिव, FA पॉजिटिव क्यों था क्योंकि वो कॉन्वेक्स लेंस था, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ एयर में क्या होती है पॉजिटिव होती है, अच्छा तो इसलिए वो पॉजिटिव था, और FM कैसा आ गया ये आ गया बच्चों निगेटिव, निगेटिव का मतलब ये कैसा हो गया कॉनकेव लेंस यानी कि डाइवर्जिंग लेंस, तो यहां से हम प्रूव कर रहे हैं कि हाँ ये डाइवर्जिंग लेंस होगा और इसकी फोकल लेंथ एयर वाली फोकल लेंथ से थोड़ा ज्यादा होगी, क्यों, क्योंकि अपान में 1 से कम नंबर है, डिवाइड करके देखो आंसर आ जाएगा लगभग ये आपका 4 times के आसपास आएगा, है ना कि लगभग 4 times है एयर से, समझ में आ रही बात, इसको फटाफट सॉल्व कर लीजिए